व्हाट्सएप एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली वेल। आज का हमारा टॉपिक है जिन बच्चों ने ट्वेल्थ में कॉमर्स लिया है उनके बाद आगे क्या क्या कोर्सेस और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले। तो कॉमर्स में पहला आता है वो है बीकॉम। आप बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो, ये 3 साल का ये कोर्स रहता है, आप इसको आप कर सकते हो। उसके बाद आप BBA कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिनको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हो आप BBA कर सकते हो। बहुत सारे कंपनीज आती है आपको हायर करने, बहुत सारे प्लेसमेंट है आजकल के टाइम में BBA के लिए, तो आप BBA कर सकते हो। उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि होटल मैनेजमेंट मतलब ये नहीं होता कि आपको खाना बनाना पड़ेगा, उसमें भी और बहुत सारे काम रहते हैं जैसे क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल पॉलिसीज और भी बहुत सारे जॉब्स है जो होटल मैनेजमेंट में होते हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर आप BHM कर सकते हो, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसमें भी आपकी आगे जाके आपकी बहुत अच्छी डिमांड होगी अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो। उसके बाद आप फैशन डिजाइनिंग में, अगर आपको कपड़ों के बारे में आपको अगर ज़्यादा नॉलेज करना है, ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद आप इवेंट मैनेजमेंट, देखिए इवेंट मैनेजमेंट मतलब होता ही है जितने भी शादीज होते हैं, बर्थडे पार्टीज होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग लगते हैं, तो उन सबको संभालने के लिए जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए भी एक अलग से एक कोर्स रहता है जिसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट। तो आप इवेंट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप टीचर ट्रेनिंग, जिन बच्चों को फ्यूचर में टीचर बनना है तो आप टीचर ट्रेनिंग कर सकते हो। आप किसी भी सब्जेक्ट में आप BA कर सकते हो, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हो। उसके बाद आता है आप CA, एक बहुत ही फेमस कोर्स है कॉमर्स का, वो है CA, चार्टर अकाउंटेंट। अगर आप CA करते हो तो आपकी जॉब फिक्स हो जाएंगी। अगर आप वन गो में अगर आप CA का आप एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करते हो तो आप 5 साल में आप CA बन सकते हो। उसके बाद CA में भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आर्टिकलशिप होते हैं, 3 से 5 साल के आर्टिकलशिप होते हैं। उसके बाद और CA मेरे तरफ से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप इसमें आपका जो पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती है और आपकी आगे जाके फ्यूचर एकदम सेफ साइड हो जाता है, तो आप CA बन सकते हो। उसके बाद आप CS कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें आपको कंपनीज के लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आप CS भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद आप CFA कर सकते हो, चार्टर फाइनेंशियल एप्लीकेशन। अगर आप ये करते हो तो ये एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जाना है तो CFA एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये फाइनेंशियली ग्लोबली एक्सेप्टेड ये एक सर्टिफिकेट है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, तो आप ये कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन होने के बाद CFA में आपकी आगे जाके बहुत सारी आपकी डिमांड होगी अगर आप CFA करते हो। फिर उसके बाद आता है CFP, फाइनेंशियल प्लानर। वो भी एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट रहता है। अगर आप ये करते हो तो आपको एक अच्छा सा फाइनेंशियल सर्टिफिकेट मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। शादी के कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, इसको डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स की ज़रूरत होती है, तो आप ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हो, बहुत ही अच्छी डिमांड है। उसके बाद आप BCA कर सकते हो, अगर आपने BCA किया तो आप MCA भी कर सकते हो। BCA मतलब आपको अगर इंटरनेट में इंटरेस्ट है, आपको कोडिंग में अगर आपको जावा C++ आपको करना है तो आप BCA कर सकते हो। आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आप BCA कर सकते हो। अगर आपने BCA किया तो आप MCA भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपके पास बहुत सारी जॉब्स है, आपको क्लरिकल लेवल की आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद आपको टाइपराइटर की आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स के साथ आगे कंप्लीट करते हो तो आप SSC, CGL, UPSC के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम आप सब क्रैक कर सकते हो। डायरेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट जॉब अगर आपको चाहिए तो आप CA बन सकते हो, क्योंकि आप CA बन के तो आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी। अगर आप वन गो में अगर आप CA क्रैक करते हो तो आप 5 साल में आप CA बन सकते हो। तो उसके बाद आता है CFA, जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट। आप CFA कर सकते हो। CFA के बाद आपको डायरेक्ट चार्टर होल्डर की आपको जॉब मिल सकती है, आप CFA कर सकते हो। फिर आपके आप BCA कर सकते हो। BCA में आपको डायरेक्ट एंट्री लेवल की जॉब मिल सकती है, मतलब बहुत सारी आई टी कंपनीज से जो आपको हायर करने आएंगी। उसके बाद आप BBA कर सकते हो, बहुत सारी प्लेसमेंट है BBA के अंदर भी, तो आप BBA भी आप कर सकते हो। उसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आप अगर आपको वकील बनना है, आपको लॉ की डिग्री करनी है, तो आप BA LLB कर सकते हो। उसके बाद आप हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कर सकते हो। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आप
टूरिज्म आता है, होटल मैनेजमेंट आता है, कैबिन क्रू आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो आप हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, उसमें उसके लिए भी बहुत सारे डिप्लोमा और कोर्सेज रहते हैं। आपको जिस फील्ड में जाना है उसके ऊपर आप डिप्लोमा या कोर्सेज आप कर सकते हो। उसके बाद आता है एनिमेशन कोर्सेज, एनिमेशन आप ऐड देखते हो, कार्टून देखते हो, उसमें कैसे कैसे एनिमेशन होते हैं, अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप एनिमेशन के कोर्सेज क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है BJMC, अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आप BJMC आपके लिए है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। BJMC में सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं होता, उसमें भी और बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे आप पत्रकार बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, तो आप BJMC आप कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्चुअल साइंस, एक्चुअल साइंस में क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। इसमें आपको IIS के कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, अगर आपको ये करना है तो आप एक्चुअल साइंस आप कर सकते हो। उसके बाद आता है अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप ऑनर इन मैथ्स कर सकते हो, आप BSc इन मैथ्स कर सकते हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप डिग्री इन इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ मतलब और भी इसके बाद ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो है इंश्योरेंस लाइन। इसके लिए सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रहते हैं, इसके लिए कोई डिग्रीज नहीं रहते, तो आप इंश्योरेंस लाइन में भी आप जा सकते हो। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया जैसे बहुत सारे शादीज होते हैं, बर्थडे पार्टीज होते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो आप इवेंट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। उसके बाद फाइन आर्ट्स, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें जो फाइन आर्ट्स में आते हैं, आपके खुद के प्रोफेशनल हॉबीज के ऊपर होता है फाइन आर्ट्स। देखिए फाइन आर्ट्स की इंडिया में बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है, अगर आपको आपकी हॉबीज में आपका आपकी टैलेंट है तो आप आगे जाके अच्छी स्टेज पर आप जा सकते हो, अगर आप अच्छी हॉबीज में आपको टैलेंट है तो। फिर आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, अगर आप फिटनेस ट्रेनर आप करते हो तो आपको PT टीचर बन सकते हो, आप अपना खुद का जिम खोल सकते हो, जिधर आप जितने भी जिम में लोग आएंगे आप उनसे फीस लोगे, आप जो भी होगी आपकी फिटनेस ट्रेनिंग की आप वो ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऐसी चीज़ें जो हम अपने प्रोडक्ट्स डिजिटली हम सेल करें, जैसे ये daddy.com हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जो हम डिजिटल मार्केटिंग होती है जिसमें, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही आजकल के ज़माने में और आगे आने वाले ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों कर सकता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप बिंदास पूछिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलो शुक्रिया।